और नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल चेकअप, इतवार को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दांतों का मुआयना किया जाएगा। हुसैन नवाज का कहना है कि पीर को कार्डियक PAT स्कैन भी किया जाएगा। हुसैन नवाज के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले से मुतालिक सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले से मुतालिक सहाफी के सवाल पर नवाज शरीफ खामोश रहे। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को फैसले से आगाह कर दिया गया था, हम अस्पताल में थे जब ये फैसला आया। नवाज शरीफ ने कहा, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहाई के बाद नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ताहम उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा है कि इन्हें ज्यादा बेहतर इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल किया जाए। जाती मौलिज ने कहा कि नवाज शरीफ के दिमाग को खून देने वाली शरियान में स्टंटिंग की जाएगी। उनका 6 मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। उन्होंने मजीद कहा था कि हेमाटोलॉजिस्ट टीम ने इन्हें सेहतमंद करार नहीं दिया, इनके दिल और शरियानों का मुसलसल मुआयना किया जा रहा है। प्लेटलेट्स मतवाजन होने तक कोई प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। प्लेटलेट्स गिरने की वजह मालूम करना चैलेंज बन गया है। बरतानवी डॉक्टर्स नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस अभी तक नहीं कर सके। वो कितने दिन बरतानिया में रहेंगे कुछ कहना मुमकिन नहीं है।